उन चारों की आदत बहुत अच्छी थी। वे सबसे प्रेम से और मीठी आवाज में बातें करते थे। मतलब वो जो चारों अंधे दोस्त थे ना, उनकी आदत बहुत अच्छी थी बेटा। वो सभी से बहुत अच्छे से बात करते थे, किसी से गुस्से से बात नहीं करते थे और वो बहुत मीठी बातें करते थे, इसलिए सब लोग उनका आदर करते थे। जो सभी से अच्छे से बात करते हैं ना बेटा, तो यदि हम भी सभी से अच्छे से बात करेंगे ना, तो सभी लोग हमारा भी बहुत आदर करेंगे। मतलब हम जो व्यक्ति को देते हैं उसके बदले वही हमें मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब हम गंदे से बात करेंगे, कड़वी बात करेंगे, तो बाकी सब लोग भी हमसे गंदे से बात करेंगे और कड़वी बातें बोलेंगे। यदि हम सभी को रिस्पेक्ट देंगे, सभी से अच्छे से बात करेंगे, तो सभी लोग हमसे अच्छे से बात करेंगे और हमें रिस्पेक्ट देंगे। समझ में आ रहा है बेटा? मेरी आवाज आ रही है? हैंड्स अप करके बताइए, आ रहा है मेरी आवाज? वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी थी। उनका आदर करते थे इसलिए सब, उनकी आदत बहुत अच्छी थी इसलिए सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। ना वे किसी को परेशान करते थे, ना कोई उन्हें परेशान करता था। बेटा वो लोग क्या थे, वो किसी को भी परेशान नहीं करते थे और ना ही कोई उन्हें परेशान करता था। जब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे तो कोई हमें कैसे परेशान करेगा, ठीक है ना? एक दिन उस गांव में कुछ लोग एक हाथी को लेकर आए। मतलब वो जो गांव था ना, जिस गांव में चारों अंधे रहते थे, उस गांव में कुछ लोग एक हाथी को लेकर आए। गांव में शोर मच गया, गांव में बहुत शोर मच गया। जैसे आप लोगों को कभी हाथी दिख जाता है तो आप लोग शोर मचाते हैं ना, हाथी आया, है ना बेटा? हैंड्स अप करके बताइए। हाँ, हाथी आया। हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब जमा हो गए। मतलब उस गांव के सभी बच्चे, सभी बूढ़े व्यक्ति, सभी जवान लोग, सभी लोग, उस गांव के व्यक्ति जमा हो गए उस हाथी को देखने के लिए। गांव में हाथी के आने की खबर उन चार अंधों तक भी पहुंची। गांव में हाथी के आने की खबर वो जो चार अंधे थे ना, उन लोगों तक भी पहुंच गई। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा, जो अंधे थे बेटा, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। वो लोग हाथी देखेंगे भी कैसे, उन्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था, तो वो कैसे हाथी को देखेंगे? उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई। मतलब जो अंधे थे उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई कि हमें भी हाथी देखना है, क्योंकि सभी लोग शोर मचा रहे हैं, हाथी आया, तो वो लोग भी बहुत परेशान थे कि हमें भी हाथी देखना है। ठीक है, एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन छू कर तो महसूस कर सकते हैं। मतलब बेटा जो चार अंधे थे उनमें से एक अंधा बोला कि हम हाथी को देख तो नहीं सकते, परंतु छू कर महसूस कर सकते हैं। मतलब जैसे बेटा
कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है तो वो किसी भी चीज को छूकर महसूस कर सकता है कि चीज कैसी है। ठीक है, वे चारों हाथी के पास गए। चारों ने हाथी को छूकर देखा और महसूस किया। वे चारों अंधे हाथी के पास गए। चारों ने हाथी को छूकर देखा और महसूस किया। उन्होंने महसूस किया, पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को, दूसरे ने हाथी के पांव को, तीसरे ने हाथी के पेट को, चौथे ने हाथी की सूंड को छुआ। देखिए बेटा, वो जो चारों अंधे थे वो हाथी को देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने हाथी को छूकर महसूस करने की कोशिश की। तो पहले अंधे ने क्या किया, हाथी की पूंछ को छूकर देखा। दूसरे अंधे ने क्या किया, हाथी के पांव को छूकर देखा। और तीसरे अंधे ने क्या किया, हाथी के पेट को छूकर देखा। और चौथे ने हाथी की सूंड को छूकर देखा। फिर वे आपस में बातें करने लगे। पहला अंधा हाथी झाड़ू जैसा होता है। मतलब बेटा, पहला अंधा बोल रहा है कि हाथी झाड़ू जैसा होता है। वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने तो हाथी की पूंछ को छूकर देखा है। दूसरा अंधा, नहीं, हाथी खंबे जैसा होता है। तो दूसरा अंधा ऐसा क्यों बोल रहा है कि हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे अंधे ने क्या छूकर देखा था, बताइए तो जरा मुझे, कौन बताएगा, हैंड्स अप करके बताइए। लवेश बताएंगे, रुकिए मैं आप सेल्फ ऑन म्यूट कीजिए, आप लवेश रुकिए। प्रिंस बताइए, दूसरे अंधे ने ऐसा क्यों बोला कि हाथी खंबे जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी से पेट क्या बेटा, क्योंकि उसने हाथी से पेड़ से छूकर देखा। हाँ लवेश, सॉरी बेटा, लवेश आप बताइए तो, दूसरे अंधे, नहीं, हाथी खंबे जैसा है होता है। दूसरे अंधे, लवेश सेल्फ को अनम्यूट कीजिए बेटा। हाँ लवेश आप बताइए तो, दूसरे अंधे ने ऐसा क्यों बोला कि हाथी खंबे जैसा होता है। उसने उसके पैर को छुआ था। क्या छुआ था बेटा? क्योंकि उसने उसके पैर को छुआ था। अच्छा, उसने उसके पैर को छुआ था। ओके। बेटा एक मिनट ना, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट। चड्डी में बैठा है, चड्डी में ध्यान दे, उसको ढक के रखा है कम्बल। अरे यार, मैं ऑनलाइन क्लास हटा देता हूँ। हटा दी तो
दूसरे हाथी ने क्या किया था बेटा, हाथी के पैर को छू कर देखा था, इसलिए उसने कहा कि हाथी खंभे जैसा होता है। तीसरा अंधा बोलता है नहीं नहीं, हाथी बड़े ढोल जैसा होता है। अब तीसरे अंधे ने ऐसा क्यों बोला कि हाथी बड़े ढोल जैसा होता है, कौन बताएगा कि तीसरे अंधे ने ऐसा? हाँ बताइए तो। उसने उसके पेट को छुआ था। अच्छा हाँ, पेट को छुआ था तो हाथी का पेट कैसा था? ढोल जैसा। वेरी गुड। चौथा अंधा, तुम सब गलत कह रहे हो, हाथी तो मोटे सांप जैसा होता है। अब ये चौथे अंधे ने ऐसा क्यों बोला बेटा कि हाथी तो मोटे सांप जैसा होता है, क्यों बेटा बताइए जरा, कौन बताएगा? कौन बता रहा है? प्रिंस, सॉरी क्या नाम है बेटा आपका? हाँ आप बताइए तो। हाँ बताइए बेटा आभास, आप बताइए। क्योंकि उसने उसके सूंड को छुआ था इसलिए कहा, ठीक है। हाँ चारों आपस में झगड़ने लगे बेटा, जो चारों अंधे दोस्त थे ना वो आपस में झगड़ने लगे। क्यों झगड़ने लगे? अब चारों आपस में झगड़ने लगे, कोई दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो जो चारों अंधे थे ना वो एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि हाथी कैसा होता है। वो चारों आपस में झगड़ने लगे, आदमी उन चारों की बातें सुन रहा था। बेटा एक आदमी जो था ना वो उन चारों की बातें सुन रहा था, वह उनके पास आया और बोला, भाइयों मेरी बात सुनो, आप सब लोग ठीक बात कह रहे हैं, आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ उसे ही पूरा हाथी समझ बैठे। मतलब एक आदमी जो था उन चारों की बात सुन रहा था, वो चारों अंधों को तो दिखता नहीं था है ना, तो एक आदमी ने उनको समझाया कि भाइयों मेरी बात सुनो, आप ना हाथी के किसी एक हिस्से को ही बेटा, मतलब जिसने किसी ने तो हाथी के पैर को छुआ था, एक अंधे ने हाथी की सूंड छुई थी, एक ने पेट छुआ था, तो वो सब क्या उसी हाथी को पूरा समझ बैठे। अब हाथी तो बहुत बड़ा था है ना, तो वह उनके पास आया और बोला, भाइयों मेरी बात सुनो, आप सब लोग ठीक बात कह रहे हैं। मतलब वो चारों को समझाता है कि आप सब लोग ठीक बात कह रहे हैं, आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ उसे ही पूरा हाथी समझ बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा हाथी तो बहुत बड़ा है। उस एक आदमी ने समझाया बेटा कि पूरा हाथी तो बहुत बड़ा है, आप हाथी के किसी एक भाग को छूकर ही उसे पूरा हाथी समझ बैठे। तब उनकी समझ में बात आई कि जिसे भी सच समझ रहे हैं वह सच का एक हिस्सा है। मतलब उन्होंने जो देखा है, किसी एक हिस्से को देखा है, वो उसी हाथी को पूरा समझ बैठे हैं, और हाथी तो बहुत बड़ा था, पूरा सच बहुत बड़ा हो सकता है। उनको समझ में आया कि पूरा सच बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है बेटा, आप सभी को चैप्टर समझ में आया? अच्छा बेटा मुझे एक बात बताइए, जो गांव में कितने अंधे रहते थे? वो
कौन सा पाएगा? देख कैसा दिखा है, अच्छे से नहीं दिख रहा। मिस फोर एक मिनट, देख तू कैसा दिख रहा है, देख तू कैसा दिख रहा है। परिधि सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। एक मिनट म्यूट कीजिए बेटा। यस मैम। हाँ आप बताइए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, आप बताइए मुझे। उस गांव में कितने अंधे रहते थे बेटा? चार। चार ठीक है। फोर। ओके बेटा, वो अंधे अपना दिन कैसे बिताते थे? बात करके। अपनी बीते हुए दिनों की बात करके, ठीक है ना? कैसे बिताते थे? अपने बीते हुए दिनों की बात करके। वेरी गुड। परिधि मुझे एक चीज बताइए कि पहले अंधे को हाथी कैसा लगा था? पहले अंधे को हाथी कैसा लगा था? झाड़ू जैसा। वेरी गुड। ओके परिधि। खुशबू, खुशबू सेल्फ को अनम्यूट कीजिए बेटा। सेल्फ को अनम्यूट किया। यस मैम। हाँ खुशबू आप बताइए जरा मुझे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप बताइए मुझे। अंधों ने हाथी को कैसे देखा? खुशबू आप बताइए, अंधों ने हाथी को कैसे देखा? ओके बेटा, शायद खुशबू की आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट से बात करते हैं। लक्ष्य जाट, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। लक्ष्य, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। क्या कर रहा तुम, बंद क्यों कर रहे हो? ये लक्ष्य आप बताइए मुझे, अंधों ने हाथी को कैसे देखा? मिस छूकर महसूस किया। छूकर महसूस किया। वेरी गुड। अंत में अंधों की समझ में क्या बात आई? लक्ष्य
आखिरी में दुख की समझ में क्या बात आई, जब उन्हें किसी एक व्यक्ति ने समझाया था ना, वो आपस में झगड़ रहे थे, तब अंधों की समझ में क्या बात आई बेटा बताइए। बेटा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना आखिरी में, ठीक है नो इशू, मैं आप लोगों को सभी को फिर से बता देती हूँ। अंत में अंधों की समझ में आया कि हाथी तो बहुत बड़ा है, हमने किसी हाथी के किसी एक भाग को छूकर महसूस किया है, ठीक है, हमने कोई एक बात समझी है, पूरी बात नहीं समझी है ना। yes, me. यही बताया था ना कि सच बहुत बड़ा होता है, पूरा सच बहुत बड़ा हो सकता है, ये लिखा है ना बेटा लास्ट में नीचे, पूरा सच बहुत बड़ा हो सकता है, लिखा है। ओके आप कौन बताएगा, आप बताएंगे, रुके अभी अभी सेल्फ को अनम्यूट कीजिए, अभी सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। कर लिया किया? Yes, ma'am. Okay. अभी मुझे बताइए आप, उस गांव में कितने अंधे रहते थे? चार। चार। वो अपना दिन कैसे बिताया करते थे? पेड़ के नीचे। नहीं, पेड़ के नीचे तो बिताते थे, कैसे बिताया करते थे, क्या करके बिताया करते थे? वो खाना खाके आके एक पेड़ की छांव में बैठ जाते थे। नहीं, अपने बीते हुए दिनों की बात करकर चारों अंधे आपस में अपने बीते हुए दिनों की बात करकर अपने दिन बिताया करते थे, ठीक है? यस मैम। ओके नेक्स्ट है, गांव में शोर क्यों मच गया था बेटा? हाथी आने से। वेरी गुड लक्ष्य, क्या हो रहा है ये, क्या कर रहे हैं आप क्लास में, सीधे बैठिए। बेटा चारों अंधे पक्के दोस्त थे क्या कि नहीं थे? यस मैम। चारों की आदत अच्छी थी या नहीं थी? अच्छी थी। वेरी गुड। ओके अभी, वेरी गुड। गायत्री पाल, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए बेटा। आप रीड करके बताइए ये वाला। गायत्री, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। गायत्री पाल, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए बेटा। ओके बेटा, गायत्री किसी कारण से सेल्फ को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी नेक्स्ट से क्वेश्चन करते हैं। स्मित कश्यप, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। स्मित कश्यप, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। मिस कर लिया। हाँ आप बताइए, अंधे कहाँ रहते थे? बेटा आपकी वीडियो नहीं दिख रही मैडम को, ये जो रेड है ना, ऐसा कर दिया करो तो फिर आप दिखोगे यहाँ। स्मित बताइए आप कहाँ रहते थे, सॉरी अंधे कहाँ रहते थे? स्मित अबीर कुछ बोलना है क्या? अंधे की छांव में। ओके आपसे तो क्वेश्चन हो गया ना अभी, ठीक है मम्मी, अब दूसरे बच्चों का नंबर बोलो। नेक्स्ट किसी से,
ओके बेटा। आभास पांडे सेल फोन म्यूट कीजिए। कर लिया। आभास आप बताइए गांव में शोर क्यों मच गया था? हाथी आया था। ओके चारों ने हाथी को छूकर देखा था क्या बेटा कि नहीं देखा था? ये चारों को छूके देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। तो बता। देखा था। ओके। चारों अंधे हाथी को एक जैसा बता रहे थे क्या कि नहीं बता रहे थे? सही है या गलत है? चारों जो अंधा हाथी था उसको एक जैसा बता रहे थे कि अलग अलग बता रहे थे? अच्छा सॉरी एक मिनट, चारों अंधे हाथी को एक जैसा बता रहे थे, ये सही है या गलत है? गलत है। रॉन्ग। वेरी गुड। गांव में कितने अंधे थे बेटा? चार। और चौथे अंधे को हाथी कैसा लगा था? चौथा अंधा था उसको हाथी कैसा लगा था? सांप जैसा लगा था। चौथे अंधे ने हाथी की सूंड छूकर देखी थी ना बेटा? चौथे अंधे को कैसा लगा था हाथी? मोटे सांप जैसा। ओके ठीक है बेटा, आज हमने ये चैप्टर रीड किया है और सभी ने समझ भी लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके हैंड्स अप करके बताइए। ओके ओके। और आप सभी को अभी घर पर हिंदी की बुक रीडिंग करना है, ये पूरा चैप्टर समझना है आपको। कौन सा चैप्टर समझना है? चैप्टर 3 पेज नंबर 17। ओके नेक्स्ट चैप्टर में हम लास्ट वाला जो चैप्टर हमने रीड किया था, लास्ट वाला जो कौन सा चैप्टर रीड किया था बेटा हमने, एक मिनट बता दूं मैं। हमने लास्ट वाला चैप्टर रीड किया था सेक चिल्ली। ठीक है तो ये चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है ओके। Thank you.